सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम पल्लवी है और इनके पति का नाम आशीष है। ये बॉर्न क्रिश्चियन हैं। इनकी मैरिज को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों छोटी छोटी बात पर काफ़ी लड़ते थे, एक दूसरे पर विश्वास भी नहीं कर पाते थे। इनके पति कई बार सोचते थे कि इन्हें तलाक दे दें। फिर इनके पति द चर्च ऑफ पीस एंड हीलिंग में आए, तब इन्होंने पास्टर सूरज भांजी को अपने घर पर इनवाइट किया। पास्टर जी ने इनके साथ वचन शेयर किया, ले हैंड प्रार्थना की और परमेश्वर का अनुग्रह इन पर हुआ। आइए सुनते हैं इस अद्भुत गवाही को इन्हीं के द्वारा। मेरा नाम पल्लवी आ, मेरे हस्बैंड का नाम आशीष, असं लुधियाने के रहने वाले हाँ। साड़ी मैरिज में 3 साल हो चुके हैं। असं अपने जीवन की बहुत वड्डी गवाही तुहाडे नाल शेयर करन जा रहे हाँ। साड़ी मैरिज के शुरू दे विच सानू विश्वास सीगा कि असी एक अच्छी विवाहता जिंदगी बितावांगे, पर जिवें कि हर मैरिज लाइफ च हुंदा आ, असी अपनी जिंदगी के चैलेंजेस नू लैके बहुत ज़्यादा परेशान रहन लग पे। साड़ी लाइफ के विच गुस्सा बहुत ज़्यादा वध गया। छोटी छोटी चीज़ों पर आपां एक दूसरे के नाल बहुत ज़्यादा लड़ते सीगे, क्योंकि असं लुधियाने विच इंडिपेंडेंट रहिंदे सी। साढ़े उत्ते बहुत सारी चीज़ों का सानू स्ट्रैस फील हुंदा सीगा, फाइनैंशियल स्ट्रैस के गोथ्रू हुंदे सीगे, इमोशनल स्ट्रैस के गोथ्रू हुंदे सी, लेकिन असं इस चीज़ नू फाइट नहीं कर पा रहे सी। लोगों नू देखण च तां इह लगदा सीगा कि अच्छे ने, खुश ने, लेकिन अंदरों ही अंदरों साडा रिलेशन बहुत ज़्यादा खोखला हो रहा सीगा। असं एक दूजे दे उत्ते ट्रस्ट भी करना छड़ रहे सीगे, लेकिन असी अपनी खुदा दे विच आपां बॉर्न क्रिश्चन आ, लेकिन खुदा दे विच सानू समझ नहीं लग रहा सीगा कि असी की करिए। असी भटक चुके सीगे अपने राहां तो। बहुत बार मेरे हस्बैंड नू इह चीज़ दा एहसास होया कि मैं अपनी जिंदगी दे विच इस व्यौता जिंदगी तो कितें छुटकारा पा लां, कि मैं अलग रह लां, मैं छड़ दवां, मैं अपनी वाइफ तो अलग हो जावां, लेकिन परमेश्वर ने सानू नहीं छड्डिया। असी पास्टर सूरज भान जी का बहुत धन्यवाद करते हाँ कि उन्होंने थ्रू साड़ी लाइफ से डिलीवरेंस आई। मेरे हस्बैंड पास्टर सूरज भान जी के चर्च गए, जो कि लुधियाने विच स्थिर है, उत्थे वो गए। उन्होंने मेरे हस्बैंड नू बहुत काउंसल किया, समझाया परमेश्वर के वचना के थ्रू, अते उन्हां दी मन बदलिया। पर कितें ना कितें घर विच रह के मेरे अंदर एग्रेशन, एंगर बहुत ज़्यादा वध रहा सीगा। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रैस विच रखती सी, ये सोचती सी कि घर किवें चलूगा, काम किदां होणे आ, आपां अगे इदां सोच लईए, फ्यूचर भी टेंशन, प्रेजेंट जीना नहीं। इन्हां चीज़ां दे नाल असीं अपने रिश्ते नू बहुत ज़्यादा स्ट्रैस दे विच लैके आ रहे सीगे। असीं पास्टर जी नूं बहुत रिक्वेस्ट करदे सीगे कि साडे घरे आ के सानू प्रेयर करन अते साडी जिंदगियां दे विच कोई चेंज आवे। असीं स्ट्रगल कर रहे सीगे। पास्टर जी ने सानू कहा कि आत्मा वल्लों जदों वी उन्हां नूं गवाही होएगी उह जरूर साडे घरे आउणगे। असीं इंतज़ार कर रहे सीगे, लेकिन शैतान अपना काम करना हटिया नहीं। साडी लाइफ दे विच इन्नियां प्रॉब्लम्स आनियां, साडी फैमिली नूं लै के इन्नियां प्रॉब्लम्स आनियां कि लड़ाई झगड़ा वधदा जाणा, प्रति दिन हर पल दे विच इन्ना ज़्यादा वधना कि असीं अपना मैंटल स्ट्रैस दे पीक ते पहुँच चुके सीगे। उस तो बाद पास्टर जी ने सानू 8 जून नूं फोन किया कि मैं 16 जून 2020 दे विच मैं तुहाडे घरे आवांगा। असीं बहुत खुश सीगे। उस मैनू याद आ उस हफ्ते दे विच वी साडे घरे बहुत वड्डी लड़ाई हुई। शैतान ने उस चीज़ नूं भी रोकना चाहा। मेरे हस्बैंड दे मन दे विच आया कि मैं पास्टर जी नूं मना कर दां, लेकिन फिर भी हिम्मत रखी उन्होंने कहा नहीं, ये चीज़ होनी चाहिए है। पास्टर जी साडे घरे आए, उन्होंने परमेश्वर के वचनों नूं सानू सुनाया अते साडे ते ले हैंड प्रेयर की। उस ले हैंड दे दौरान सानू डिलीवरेंस हुई। उन्होंने सानू दस्सिया कि तुहाडी लाइफ दे विच्चों स्पिरिट ऑफ डिवोर्स, स्पिरिट ऑफ एंगर, एग्रेशन, स्ट्रैस सब कुछ जिहड़ा ही साडी जिंदगी दे विच्चों चला गया। असीं एक नवीं जिंदगी दे नाल परमेश्वर नूं जाणिया। असीं अपनी जिंदगी दे विच वचनां दी भुख नूं पहचानिया अते असीं अपनी लाइफ दे विच उन्हां वचनां ते चलना सीखणा अते उन्हां नूं कितना अमल करना, इह सब कुछ असीं अपनी लाइफ दे विच सिख्या। मैं दिलों धन्नवाद करदी हाँ पास्टर जी दा अते सब तो पहला प्रभु यीशु मसीह जी दा, जिन्हां दे थ्रू सानू इह डिलीवरेंस मिली अते परमेश्वर ने अपने खादम नूं चुनिया अते साडे लई भेजिया ताकि उह साडे नाल गल करदे अते साडे जीवन नूं बदल दे। मैनूं विश्वास है कि साडी गवाही तुहाडे लई बहुत मायने रखेगी। सब नूं जय मसीह।